इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों इन पेच के बारे में जो हमारे ये स्क्रू होते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई एम्पलीफायर या अपना होम थिएटर नया बनाने की सोचते हैं तो हमें पेचों की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, हमें इनके नंबर पता होने चाहिए, तभी हम मार्केट में जाके इनके नंबर बता के इनको ले सकते हैं। तो मैंने सोचा इनकी भी क्यों ना आपको जानकारी दूं, आपको भी पेच के बारे में पता हो और आप भी मार्केट में जाके कोई भी पेच का नाम बता के डायरेक्ट ले सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार को भी हम नहीं बता पाते हमें किस तरीके का चीज़ चाहिए। तो मैं ये वीडियो इसलिए ही लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेट पर देखिए ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि इनके अंदर आपको ज़्यादातर तो दो ही कलर मिलते हैं, एक हम सिल्वर बोल के लेते हैं और एक हम ब्लैक बोल के लेते हैं। तो दो तो आपकी ये मैंने सॉल्व कर दी कि सिल्वर भी ले सकते हैं आप, ब्लैक भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, ये वाला जो हमारा पेच है ये हम ज़्यादातर बोर्ड कसने में लेते हैं। इसकी लंबाई हम जितनी मर्जी ले सकते हैं, ये लंबाई हमें 3-6 से चालू होती है। ये इसका जो नंबर है पेज का, ये देख लीजिए, इस पेज का जो नंबर है वो है 335। इसका जो नंबर है वो 335 है। क्योंकि देखिए, जब हम इसको स्केल पे इस तरीके से नापेंगे, ये देखिए ये पेज जो है हमारा 335 है। क्योंकि देखिए ये 3 से आगे पहुंच चुका है, ये देखिए ये हमारा 335 का पेज है। और इसके अंदर देखिए चूड़ी बनी हुई है, इस चूड़ी पे भी हमें बहुत ध्यान देना होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन दोनों पेज के अंदर क्या अंतर है। देखिए एक के अंदर जो चूड़ी है वो थोड़ी मोटी है और थोड़ी खुली है, और एक के अंदर थोड़ी पास है। तो देखिए ये जो हमारा पेज है ये भी हमारा 3 नंबर का ही है, लेकिन ये 312 है। क्योंकि देखिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ये देखिए ये हमारा 312 का पेज है। तो ये थोड़ा छोटा होता है, इसको बोलेंगे हम 312। ये हमारा 312 का पेज है। अब देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों, दोनों में नट अलग अलग लगते हैं। अब इनके अंदर नट कौन से लगेंगे, देखिए इसके अंदर जो नट लगता है, मैंने जो बताया चूड़ी जो थोड़ी सी ये देखिए मोटी है, इसके अंदर जो नट लगेगा हमारा, वो नट लगेगा हमारा दोस्तों 1/8 का। इसमें हमारा 1/8 का नट लगता है। और जो ये हमारा बड़ा वाला पेच है जिसके अंदर देखिए चूड़ी थोड़ी पास पास में है, इसके अंदर जो दोस्तों हमारा नट लगता है वो लगता है हमारा M3 का। इसके अंदर हमारा M3 का नट लगता है, ये हमारा M3 का है। देखिए ये इसके अंदर हमारा M3 का, ये 1/8 का नट है। अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगा, लेकिन ये इसके अंदर लगाऊंगा तो बड़ी आसानी से लग जाएगा क्योंकि ये 1/8 का नट है। और ये हमारा एक इसके अंदर ये M3 का नट है। तो ये देखिए बड़ी आराम से आ गया। अब आ जाते हैं हम इस पर, ये सबसे ज़्यादा आपका जो यूज होने वाला है, ये होम थिएटर की जो बैक होती है ये उसके अंदर लगता है। तो दोस्तों इसका जो नंबर है, और देखिए ये 4/8 का पेच है, तो इसका जो नंबर है दोस्तों ये है 619। ये हमारा 619 का पेच है। इसको आप जितना छोटा करेंगे उतना छोटा हो जाएगा। इसके अंदर आपको 619 भी मिलेगा, 613 भी मिलेगा, 616 भी मिलेगा। तो ये 619 आपका होम थिएटर की बैक में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम ट्रांसफार्म के पेज पे। ये हमारे ट्रांसफार्म के पेज हैं, इसका नंबर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो ट्रांसफार्म के नंबर है इसका है 416। जो छोटा वाला पेज है ये ट्रांसफार्म का, ये वाला, इसका नंबर 416 है। और जो ये बड़े वाला पेज है ट्रांसफार्म का, इसका नंबर है 420। ये हमारा 420 है। इसके अंदर जो हमारा नट लगता है, ये जो नट है इसके अंदर देखिए हमारा M3 का नट लगता है, और इसके अंदर जो नट लगता है वो हमारा M4 का नट लगता है। ये हमारा M4 का नट है। इसे मार्केट में ज़्यादातर ट्रांसफार्म का पेज बोल के भी ले लेते हैं। और इसके अंदर जो दोस्तों वार्सल लगता है, वो वार्सल जो हमारा लगता है वो लगता है 532। 532 का इसमें वार्सल लगता है। तो इतने पेचों की मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखिए किसी किसी पेज के अंदर क्या होता है, ये पेज इस तरीके से होते हैं और इसके अंदर हम ये
वार्सल डाल देते हैं। तो दोस्तों इसको मार्केट में बोलते हैं स्पेशल। ये स्पेशल भी आपके कई साइज़ में आते हैं, देखिए ये छोटा है, ये बड़ा स्पेशल है, इसको हम स्पेशल बोलते हैं। फिर आ जाते हैं इस वाले पेज पे, ये ज़्यादातर आपके एम्पलीफायर का जो कार्ड होता है उसमें लगता है। और ये देखिए ये एक तरफ से थोड़ा कैप की तरह बना हुआ है, ये देखिए। तो इसको जो मार्केट में बोलते हैं दोस्तों, ये जैसे कि आप पेच लेने जाओगे, ये देखिए ये पेच जो है हमारा 25 नंबर का पेच है। तो इसको जब हम मार्केट में लेने जाएंगे, जब ये इसकी हम बोलेंगे कि भाई हमें ऐसी सीधी वाली कैप चाहिए, तो ये सीधी वाली कैप के लिए हम मार्केट में बोलते हैं कि हमें सी एस के का 325 का पेच चाहिए। ये सी एस के हो गया, जिस जो कैप आपकी एकदम सीधी होती है, देखिए इस तरीके से, देखिए ये एकदम ऊपर से सीधा है, तो इसको बोलेंगे हम सी एस के। ये सी एस के फोर एड में है, ये सी एस के सिंगल कट में है। तो देखिए दोस्तों ये सी एस के आपका बहुत जगह यूज होता है, ये छोटा पेज है। तो ये सी एस के जो है हमारा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सी एस के, और ये हो गया हमारा 495, सी एस के 495 का पेज है ये। और दोस्तों देखिए अब इसके अंदर ये दो पेज और आ जाते हैं, ये हमारे एम्पलीफायर के टॉप में लगते हैं। ये हमारा 665 का पेज है, ये हमारा वो 665 नहीं है, 695 का पेज है, और ये हमारा 813 का पेज है। ये देखिए थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। तो दोस्तों ये वाला जो पेज है हमारा, देखिए ये 4 का पेज है, ये वाला जो पेज है हमारा ये है 695। तो ये 695 कैसे हुआ दोस्तों, इसके अंदर देखिए ये 495 695। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा आगे का नंबर बढ़ता है तो इसकी हमारी थोड़ी मोटाई बढ़ जाती है। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ये देखिए थोड़ा सा पतला है। अगर हम थोड़ा सा और मोटे पे जाएंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा और मोटा है, तो ये जो है हमारा, ये देखिए इसका आगे का नंबर बढ़ गया। अब ये हो गया पेज हमारा 813, ये हमारा 813 का पेज है, ये देखिए। तो ये इस तरीके से ही पेज के जो होते हैं। और ये हमारी क्लैंप है, ये ज़्यादातर जो हमारी क्लैंप है ये बोर्ड के अंदर हम किसी के अंदर भी लगा लेते हैं, लेकिन ये जो सबसे पहले क्लैंप आई थी ये हमारे जो DVD के जो पैनल है उसके आगे लगती थी, लेकिन अब हम ये किसी भी बोर्ड में लगाने लग गए हैं। तो ये क्लैंप आप किसी को भी बोल के ले सकते हो, ये L वाली क्लैंप है, और ये ज़्यादातर अब बोर्डों में भी कसने लग गए हैं हम, क्योंकि इस क्लैंप की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें। और देखिए इस पेज के मैंने बारे में आपको बता ही दिया है, ये 3/8 का पेज है जो मैंने आपको बताया था, ये 3/35 3/12, ये 3/8 का है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। फिर आ जाते हैं, ये देखिए ये भी टॉप में या बोर्ड में बहुत लगने वाले पेज हैं, सबसे ज़्यादा पेज लगने वाला यूज में यही आते हैं, इन पेज का नंबर में आपको। और देखिए जब आप इस तरीके का पेज लोगे तो ये देखिए ये बिना वार्सल है, ये वार्सल है, देखिए इसमें वार्सल बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम वार्सल वाला पेज, और इसको बोलेंगे बिना वार्सल। और इसके अंदर एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक सिंगल कट भी बना हुआ है और एक 4 भी बना हुआ है, तो मतलब इसके अंदर सिंगल पेज कस भी लग जाएगा और 4 भी लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बी। ये पेज हमारा कॉम्बी होता है, क्योंकि कॉम्बी का मतलब होता है कि इसमें दोनों पेज कस यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसे कॉम्बी बोलते हैं। और फिर आ जाते हैं, देखिए ये बिना वार्सल का पेज है और ये वार्सल वाला है। तो देखिए बिना वार्सल वाला जो पेज है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये अभी दोनों सेम 3/8 के ही पेज हैं, ये देखिए, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ये वार्सल वाला पेज है, ये बिना वार्सल का पेज है, तो इनमें तो ये फ़र्क हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पेज है ये है 3/8, ये 3/8 का पेज है। अब देखिए ये वाले जो पेज हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा यूज होने वाले पेज है, DVD में, DTH में, एम्पलीफायर में ये वाले पेज लगते हैं। तो इनका भी मैं नंबर आपको बता देता हूँ, देखिए ये थोड़ा छोटा पेज है और ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये वाला जो पेज है हमारा, ये है हमारा 495, और जो ये हमारा छोटे वाला पेज है ये है हमारा 465, ये हमारे 465 के पेज हैं। अब देखिए एक स्पेशल हमारा ये इस तरीके से भी होता है, ये हमारा लगता है दोस्तों जो IC के, जो हमारे टाइस्टर होते हैं, उस टाइस्टर के अंदर जो सुराख होता है ये उसके अंदर घुस जाता है, और फिर जब हम पेच कसते हैं तो ये वार्सल इसलिए यूज करा जाता है कि हीट सिंक से हमारा टाइस्टर शॉर्ट ना हो और आगे हम माइका लगा देते हैं।
तो ये उस वार्सल में काम आता है, इसको भी स्पेशली बोलते हैं हम आईसी स्पेशल। तो ये उस तरीके का यूज होता है। और एक आ जाता है हमारा देखिए ये फाइबर वार्सल, ये जैसी हमारी पीसीबी होती है उसी का ये वार्सल होता है। इस वार्सल का हम वहाँ यूज करते हैं दोस्तों कि जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी पीसीबी पे प्रिंट बना हुआ है और वो हमारा पेच वहाँ जाके शॉर्ट ना हो, तो इस वार्सल का यूज कर लेते हैं। उस जगह क्या करते हैं हम दोस्तों, ये लोहे का वार्सल यूज नहीं करते हैं हम, ये वाला वार्सल यूज कर लेते हैं, ये हमारा शॉर्ट होने से बचाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे पेचों के नंबर बता दिए, अब जो है आप किसी भी दुकान पे जाके कोई सा भी पेच जाके ले सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो अभी तक मैंने इंटरनेट पर देखी नहीं थी कि ये पेचों की भी किसी ने वीडियो बनाई है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इनके बारे में बताऊं कि अगर कोई अपना एम्पलीफायर बनाए वो दुकान से जाके अपने पेच ले सके। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को जोड़ दबाना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।